दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वैश्विक महामारी से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 99 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि 4,96,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से अब तक 53,57,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर हम अमेरिका की करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यहाँ मचाया है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 99 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं दुनिया भर में कोरोना से। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस से कुल मौतों का आंकड़ा भी 15,000 को पार कर गया है, जबकि अब देश में 5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 15,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद तेजी से ये मामले बढ़ते चले गए। आपको बता दें, अब तक देश में 15,685 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ही ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जवाब मांगे जाने के बाद आज उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं और उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मसले पर मोदी सरकार पर ऐसे समय निशाना साधा है जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि पता नहीं इस बीमारी से कब निजात मिलेगी। राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 127 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। अलवर में 38, धौलपुर में 30, जयपुर में 13, कोटा में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, सीकर में 10, अजमेर की अगर बात करें तो 5 यहां से कोरोना पॉजिटिव निकले। उदयपुर में भी 4 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीकानेर और झुंझुनू में 3-3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, नागौर, दौसा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिला। बाहरी राज्य के भी 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 16,787 हो गई है। प्रदेश में आज कोरोना से 9 मरीजों की मौत भी हुई और राजस्थान में अब तक 389 मरीजों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई है। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज 127 नए कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने आए। अलवर में 38, धौलपुर में 30, जयपुर में 13, कोटा में 12 कोरोना पॉजिटिव मिले, सीकर में 10, उदयपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बीकानेर और झुंझुनू की अगर बात करें तो 3-3 नए कोरोना पॉजिटिव यहां से सामने आए। सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, नागौर और दौसा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही बाहरी राज्य के भी 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। 16,787 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है प्रदेश में और आज 9 मरीजों ने कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ा। 389 मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं प्रदेश में। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस बीच लगातार सूबे के मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, गंभीर हैं काफी, और लगातार समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं किस प्रकार से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार हर कदम पर साथ है और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी ये कह दिया है कि जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वो किसी प्रकार की कोई ज्यादती ना बरतें। पेशेंट्स के साथ में कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करने से वो मना नहीं करें।
अगर किसी प्रकार की कोई समस्या निजी अस्पतालों के सामने है तो उससे सरकार को अवगत करवाएं, निश्चित तौर पर उनकी मदद की जाएगी और साथ ही ज्यादा पैसे भी ना वसूले जाएं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अलवर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, 38 कोरोना पॉजिटिव अलवर से आ जाए हैं, कहां से ये इतना बड़ा विस्फोट यहां पर आया, कौन से इलाके से ये कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए? निशा, बताना चाहूंगा कि अलवर में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उनमें 38 मरीज आज निकले, जिनमें सबसे ज्यादा भिवाड़ी है, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि भिवाड़ी हॉटस्पॉट रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा से टच होने के कारण बाहर के लोग, बड़ी संख्या में लोग भिवाड़ी आ रहे हैं। भिवाड़ी औद्योगिक एरिया है, जिसे इस स्थिति के चलते चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और लगातार 80% जो अलवर में कोरोना संक्रमित आए हैं वो सबसे ज्यादा भिवाड़ी में आए हैं। जी चंद्रशेखर, ये लोग क्वारंटाइन थे या फिर अपने घरों में रह रहे थे? ये लोग जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद अपने घर गए थे, घर से आने का अनलॉकडाउन होने के बाद ये भिवाड़ी आए, इस आने जाने के दौरान ही ये कोरोना से संक्रमित हुए। मनीषा जी, बिल्कुल चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, एक तरीके से भिवाड़ी हॉटस्पॉट बनकर उभर कर सामने आ रहा है, 38 कोरोना पॉजिटिव आज अलवर से सामने आए हैं, बिल्कुल बड़ा आंकड़ा, और लगातार ये जो आंकड़ा है इनमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश की अगर बात करें तो आज 127 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो 389 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। धौलपुर से फिलहाल हमारे संवाददाता मुनेश ढाकरे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, बहुत बड़ा एक तरीके से विस्फोट हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां से 30 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि धौलपुर जिले में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और आज भी 13 कोरोना के नए पॉजिटिव मिलने से कुल आंकड़ा 585 पहुंच गया है। वहीं मौतों की बात करें तो मौत जी मुनेश, कितने लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं? मुनेश, कितने लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं? 81 अभी के अभी। चलिए, तो देखिए लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में आज 127 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं, साथ ही बाहरी राज्य के भी 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, और इस बीच लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए 12 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए, कौन से इलाके से ये सामने आ रहे हैं फिलहाल? मनीषा, बिल्कुल, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी एक बयान दिया था कि कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अगर कल की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव के 32 केसेस सामने आए थे, अगर 24 घंटे का ये अंतराल था जिसमें 24 घंटे में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। अगर आज सुबह की बात करें तो सुबह डॉक्टर विजय सरदाना, जो यहाँ न्यू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्होंने 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की है। यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन खोला गया और लॉकडाउन खोलने के बाद में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोगों की आवाजाही बढ़ी और जिस तरह से लोगों का आना जाना बढ़ा है, तो उस तरह लगातार कोरोना पॉजिटिव का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना पॉजिटिव के 5 दिन के आंकड़े की बात करें तो 5 दिन में 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। मगर कोटा के लिए एक राहत की खबर ये भी है मनीषा कि कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना जो नेगेटिव मरीज है वो कहीं ना कहीं लगातार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं। जी मनीषा, बिल्कुल। राजेंद्र, देखिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज 127 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में आए और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जागरूकता अभियान भी 30 जून तक जारी रहने वाला है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अब जो कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं वो कौन से ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रहे हैं, कौन से इलाके से आ रहे हैं? जी मनीषा, बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो सामने आ रहे हैं वो ज्यादातर
गुंडा और सावसी समझाते जिसके अंदर जो केस आए उसके अंदर ये बुहाना साइड के भी केस जो झुंझुनू के अंदर शामिल हुए हैं। और देखने वाली बात होगी कि झुंझुनू में अब तक जो कुल संख्या है वो 332 कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है, लेकिन आज एक अच्छी खबर झुंझुनू के अंदर भी आई है कि सुबह से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, बल्कि सुबह सुबह 300 कोरोना पॉजिटिव थे वो और नेगेटिव हो गए, कुल मिलाकर 313 की संख्या है वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। जी बिल्कुल सुजीत, देखिए जागरूकता अभियान चल रहा है प्रदेश में, तो किस प्रकार से जागरूकता अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जागरूकता अभियान भी चल रहा है, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी हो रही है, और आपको बता दूं कि इसी को लेकर लोगों के अंदर काफी जागरूकता आ रही है। बिल्कुल सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ और 389 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं, लगातार बढ़ोतरी आंकड़ों में देखी जा रही है। इस बीच थोड़ी राहत की बात यह कि मृत्यु दर प्रदेश की कम है, और साथ ही खुद सूबे के मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों से नजर बनाए हुए हैं हर एक गतिविधि पर। लगातार कोरोना का आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, लगातार समीक्षा बैठकें भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं, तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं और करना जरूरी है उन पर चर्चा हो रही है, एजेंडे निश्चित किए गए हैं, एजेंडे बनाए गए हैं, उनको लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है कि किस प्रकार से आखिर इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। हालांकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, एकमात्र उपाय यह है कि हम जागरूक रहे, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही का जो खामियाजा है वो बहुत बड़ा हम सभी को भुगतना पड़ सकता है। अभी लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और लापरवाही की जो तस्वीरें बहुत सारी जगहों से सामने आ रही हैं, लापरवाही से बचने की कोशिश करें। सीकर से हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, सीकर में कौन से ग्रामीण एरिया से ये जो कोरोना पॉजिटिव अब निकलकर सामने आ रहे हैं वो हैं? जी देखिए मनीषा, हम आपको बता देना चाहेंगे अगर फुल पॉजिटिव की संख्या की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 507 कोरोना के जो मरीज है उनकी संख्या 507 हो गई है, और अगर ठीक हुए कोरोना मरीजों की वह बात कर रहे हैं तो 399 उनमें से ठीक भी हो गए हैं, और जिनमें जो सैंपल की अगर बात कर लें तो 33,369 जो सैंपल हैं यहाँ पर लिए गए थे, जिसमें से 32,045 जो नेगेटिव पाए गए थे, जिसमें 6 की यहाँ पर पूरे सीकर जिले में मौत हो गए, और जो नए पॉजिटिव की अगर बात कर ले तो कल 14 पॉजिटिव नए मिले हैं, जिनमें से अभी तक एक्टिव जो केस है वो 102 केस हैं, और प्रवासियों की अगर बात कर लें तो 398 केस हैं। जी, और खास करके हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि जो मुख्य क्योंकि अब शादियों का सीजन, क्योंकि 30 और 28 तारीख के जो शादियों की सीजन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आशंका ये है कि कहीं ना कहीं शादियों में ऐसा कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, जिससे कहीं ना कहीं और मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अब तक की जो 507 जो पॉजिटिव की जो संख्या हो गई है, और अगर नए जो 14 नए कोरोना के जो पॉजिटिव मिले हैं उनमें नीमका थाना में कोरोना की जो संख्या है वो 100 हो गई है, और इसके अलावा अगर बात कर ले तो कई ऐसे जो मुंबई प्रवासी जो की खास करके फतेहपुर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कोरोना के जो मरीज है वो प्रवासी है। जी मनीषा बिल्कुल, राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हर रोज हमारे सामने आंकड़े नए निकल कर आ रहे हैं, आज 4 बाहरी राज्यों के भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हम रोज देख पा रहे हैं। साथ ही यहां पर लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि निजी अस्पतालों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की सख्ती ना बरती जाए, कोरोना पेशेंट्स को लेने के लिए मना ना किया जाए, और साथ ही ज्यादा पैसा वसूली जो करते हुए नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने यह कहा है, क्योंकि एक साथ कोरोना की लड़ाई लड़नी है तभी इस जंग को जीत पाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं पता है आंकड़े कितने और बढ़ सकते हैं। और इस बीच लोगों के लिए राहत कि निजी अस्पतालों में उनसे ज्यादा पैसे नहीं वसूले जाएंगे, और साथ ही ये भी निजी अस्पतालों को कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की समस्या उनके सामने आ रही है तो वो राज्य सरकार को उससे अवगत करवाएं, निश्चित तौर पर उनकी मदद की जाएगी, लेकिन जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर एक कदम उठाया जाए।
आज प्रदेश में 127 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और साथ ही मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो 389 ये पहुंच चुका है। मृत्यु दर राजस्थान में कम है और इसीलिए थोड़ी राहत की बात यह है, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है। अजमेर से हमारे संवाददाता नितिन मेहरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी प्रदेश में चल रहा है, किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर में जिसमें अभी पूर्व में भी मौत आकर अजमेर में तो बढ़ता जा रहा है जी। 15 डेथ हो चुकी है और आज भी 5 मामले सामने आए और चिंता का विषय ये तो अभी ग्रामीण एरिया में ज्यादा फैला जा रहा है। अजमेर के अंदर ग्रामीण सिटी में ज्यादा सामने आ रहा है जी। कितने लोग रिकवर हो चुके हैं नितिन? मैम ये बार ऑफिस पूछे तो कितने लोग फिलहाल अजमेर से रिकवर हो चुके हैं? अजमेर की रिकवरी रेट तो बहुत अच्छी है, बट अभी सिर्फ 57 सिर्फ है ना एक्टिव केस है जी। बाकी रिकवरी राजस्थान से अंदर अजमेर में सबसे मात्रा में ज्यादा हुई है रिकवरी केस में जी। बिल्कुल नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए रिकवरी रेट अच्छी है, लोग बहुत अच्छे से रिकवर होकर अपने घर भी वापस जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। सरकार ने छूट दी है, जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है ये ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस बीच संक्रमण का खतरा बरकरार है, तो ये बात हम सभी को ध्यान रखनी है। लापरवाही किसी प्रकार की नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।